सारी चीज़ें बंद कर दी गई थी, यहाँ तक कि मंदिरों में प्रवेश तक बंद था। अब जैसे जैसे ईज आउट हुआ है, आप लोगों ने इस बार अच्छे से पूजा ऑर्गेनाइज़ की और पता चला है कि आप हर साल ऑर्गेनाइज़ करते हैं, तो ये भी मालूम पड़ा है कि आसपास के लोग भी इस पूजा में शरीक होते हैं, स्टूडेंट तो होते ही, तो इसके बारे में आप क्या बता रहे हैं? राहुल सैयद एक फैमिली है, इसमें सभी स्टाफ स्टूडेंट्स हम एक फैमिली परिवार की तरह रहते हैं। और शिवरात्रि एक ऐसा त्यौहार है जिसमें राहुल सर बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और बहुत बढ़ चढ़ के इसके लिए पूजा का शुभारंभ करते हैं। तो पूजा तो पिछले 8-10 वर्षों से बहुत बड़े लेवल से होती आ रही है और होती अभी आज भी हुई है पूजा, जैसा कि अभी पीछे पेंडेमिक में 2021 में पूजा प्रॉपर तरीके से नहीं हुई थी क्योंकि लोगों का ज़्यादा आवाजाही नहीं था ड्यू टू कोरोना, लेकिन फिर भी पूजा हमने आपसी स्टाफ के सभी लोगों ने किया था। उससे पहले हमारी जो क्लासेस चलती थी पहले पीछे मुखर्जी नगर में चलती थी, तो वहाँ तो बहुत बड़े लेवल से भंडारा किया जाता था और पूजा का शुभारंभ होता था। तो उसमें यही होता है कि हमारे सभी स्टूडेंट जितने भी पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट जो भी हमारे स्टाफ से हैं और जो भी हमारे स्टूडेंट पढ़ चुके हैं हमारे यहाँ से, कोचिंग ले चुके हैं, हम उनको पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। आफ्टर कोचिंग भी मतलब आप तैयारी करते रहिए, आपको सभी प्रकार का सपोर्ट मिलता रहता है, तो सभी बच्चे जुड़े रहते हैं, तो उनको उसी प्रकार से एक जोड़ते हैं कि पूजा में आते हैं लोग, शरीक होते हैं, भंडारा करते हैं और आसपास के लोग भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। हम यहाँ पे जैसे आज भी बहुत अच्छे से भंडारा हुआ, काफ़ी दिनों बाद, मतलब 1.5 साल 1.5 साल हो गया पेंडेमिक की वजह से, तो काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन हमने बहुत सोशल डिस्टेंसिंग और प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पूजा का मतलब बहुत बढ़िया से किया और काफ़ी सही तरीके से भंडारा भी किया। तो बस यही है कि राहुल सैयद एक परिवार है और जितने लोगों को जोड़ सकते हैं अच्छे से जोड़ते हैं और जितने लोगों का स्टूडियो मतलब स्टूडेंट लोग हैं जितने लोगों का भला कर सकते हैं करते हैं।